गाइज वेलकम बैक अगेन इन दिस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आपका स्वागत करता हूं फिर से इसी मेरे यूट्यूब चैनल द बाइक ब्लॉगर पे। तो आज का सीन ये है कि आज मैं चल रहा हूं अपने खेत और चल के एक बना रहा हूं रेसिपी, इसे हम लोग बोलते हैं लिट्टी चोखा। तो पिछली बार मैंने बनाया था चिकन बनाया था, मछली बनाई थी, तो आज थोड़ा वेज में ट्राई किया मैंने, ट्राई करते चल के और चल के मतलब घर से निकल रहा हूं और बस सामान लेना रास्ते मिल के उसके बाद चलते सीधे खेत पे, आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं और आप भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं उस रेसिपी को। तो भाई हाँ चल रहा हूँ अपनी गाड़ी से क्योंकि थोड़ा सामान भी पीछे, देखिए फैन वैन थोड़ा काम चल रहा है और सब सामान भी ले लिया है जो भी यूज़ होगा लिट्टी चोखा बनाने में। और मुझे अभी सत्तू और सब्जियाँ, हाँ बस दो चीज़ें भी लेनी है, उसके बाद फिर चलते सीधे हम लोग खेत पे। तो गाइस पहला स्पॉट आ चुका है, हम लोग लेना है सत्तू यहाँ से और देखते हैं भाई शॉप पे है कि नहीं। ये है वो दुकान, चलकर देखते हैं सत्तू मिल रहा नहीं मिल रहा है। गुड़ भी है भाई, ये सब तो लगा पड़ा है, आधा किलो लेंगे खाली अभी। अगर ट्राई कर रहे हैं, मैं पहली बार बना रहा हूँ ऐसे, इससे पहले मैंने बनाया नहीं, एक दो बार देखते हैं भाई कैसा बनता है। तो अब आए सब्जी लेने और देखते हैं भाई, लेना था अपने को मिर्चा, धनिया, अदरक और टमाटर। तो भाई सब्जी तो ले, बस मेन मतलब जो बैगन होते हैं वो नहीं मिले, तो चल के आगे देखते हैं मिल जाए बैगन तो सही है भाई। तो बैगन भी ले लिए हम लोगों ने, आप सीधे चलते हैं खेत पे भाई। तो भाई खेत पे पहुंच चुके हैं और थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, जैसे जो मटर था वो पी की जा रही है, मटर उससे वो मटर निकाली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरा उसको अच्छे से पीटा जाएगा, उसकी बाली में से मटर निकल के अलग हो जाएगी और फिर उसकी मटर की दाल बन जाएगी। और सामने हमारे गेहूं तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब भी हरे हैं, मैं बाली फूट चुकी है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो बालियाँ होती वो आ चुकी हैं बढ़िया से और बस अब बस इनका पकने का इंतजार है, इनका रंग जब भूरा हो जाए तो मतलब पक चुकी है, उसके बाद फिर गेहूँ फिर आटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अब करना है टॉपिंग, प्याज अदरक लहसुन और टमाटर, इन लोग को अच्छे चॉप कर लेना, उसके बाद फिर आप सत्तू का आटा सान गूंदना, मतलब गूंद के उसमें मिलाना, सब दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ। तो चलना भाई शुरू करने जा रहे हैं, पहले इनको छुलूँगा फिर ये फिर वो, फिर इसमें रखा है धनिया और अदरक और मिर्चा, इन सबको बढ़िया से चॉप करना है। प्याज काट के बचा गया, बहुत दिन बाद रोए हैं भाई। तो भाई सब्जी कट चुकी है और ये मिर्चा प्याज धनिया और ये है सत्तू और मैंने बैंगन देखिए बढ़िया से कट लगा दी, इसमें लहसुन को डाल दिया है और ये टमाटर रखे हैं, इनको भी भुना जाएगा, आलू भी हैं। तो अभी मैं सत्तू के लिए बना जा रहा हूँ मसाला, सत्तू को मिलाऊँगा इसमें प्याज मिर्चा धनिया अदरक मिला के उसका अच्छा से पूरा जैसे आटा तक बना लूँगा। तो ये मैं सत्तू तैयार कर रहा हूँ, जो फिलिंग है इसको उसमें डालेंगे, जो बाटी होती है उसके अंदर फिल किया जाएगा। तो मैंने इसमें प्याज धनिया और मिर्चा और अदरक कुटी हुई देखिए कूटा है मैंने इसमें, जो कि मैंने कल ही ख़रीदा है, और नमक, इसको इतना अच्छे से पूरा मिक्स करके तो चेक किया जाएगा भाई इसमें नमक कैसा है, अगर सही होगा तो ठीक है भाई, उसके बाद फिर मैं आटा सानूंगा बाटी के लिए, पहले मैं टेस्ट करते हैं कैसा है। बढ़िया, तो ट्राई कराते हैं, लो खाना देखो। तो अब मैं करने जा रहा हूँ
आटा गूंदने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर बैंगन टमाटर आलू इन सबको भूनूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ भून के उसका फिर भरता बनाऊंगा। और आटा आपको इसमें ध्यान रखना है, इसके लिए जो आटा होता है वो बिना चाला हुआ होना चाहिए, हल्का जो आटा होता है हल्का सा मोटा टेक्सचर हो उसका, तो बाटी बहुत बढ़िया बनती है। जो बिल्कुल स्मूथ आटा होता है उसकी बाटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, देखिए आपको याद रखनी है। तो भाई हमारा आटा तैयार हो चुका है, ये देखिए मैंने आटा सान लिया है। अब इसके अंदर एक थोड़ी लोई बना बना के वो सत्तू उसके अंदर फिल करके बाटी बना बना तैयार रख लूँगा। उसके बाद फिर सीधे जलाऊंगा चूल्हा। उसके बाद पहले तो उनको ये जो बैंगन है, बैंगन टमाटर आलू इन सबको अच्छे से भून के उनका भरता बना लूँगा। उसके बाद फिर बाटियों को सीखूँगा, उसके बाद फिर खाना स्टार्ट, देखते मैं कैसा बनता, पहली बार बना रहा हूँ ऐसे। तो मैंने इतनी बाटी तैयार कर ली है, अब बनी थी यहाँ पर चाय, और चाय कर लेते हैं आनंद, उसके बाद फिर चलते चूल्हे के पास चलते बनाते हैं भाई इसको फिर। तो अब बारी है इनको रोस्ट करने का, तो मैं जलाने जा रहा हूँ भाई आग इसमें, ऊपर मैंने लगा दी जाली क्योंकि आराम से इस पर रख के रोस्ट हो जाएगा। तो पहले जलाता हूँ आग। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है, इनको अच्छे से रोस्ट करूँगा इनसे आग पे आराम से, धीमे धीमे पलते रहना है, इनको जल ना पाए। धुआं लग रहा है यार। ये देखिए बड़े से रोस्ट हो रहा है, ये तरफ हो गए हैं, और सब तरफ कुछ धीमे धीमे सही तरीके से करना है इसको। टमाटर भी हैं, और हाँ इस पर मैंने तेल लगाया, तो आप भी इस पर तेल अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ही इसको रोस्ट करिएगा। तो आपको ये देखिए बिल्कुल जब ऐसा हो जाए, बिल्कुल ढीला ढीला हो जाए, तब तो आपको इसको उतार लेना है। और देखिए बचे हुए में रख दिए हैं भूजने को, ये देखिए ये बचा हुआ सत्तू है, देखिए खाने बहुत बढ़िया है। अब बारी है टमाटर भूनने की, देखिए भैया इतने बेहतरीन लग रहे हैं भाई रेड कलर के टमाटर, ये हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए ये रहा हो चुका है, इसको रखते हैं। ये देखिए इतना बेहतरीन, देखिए ये भी हो चुका है, जो भी हल्का ढीला हो जाए समझिए वो हो चुका है, ओवर कुक नहीं करना है, न जल जाएगा सब, मामला बेकार हो जाएगा। फिर आपने कहा आप कहेंगे मैंने बताया नहीं है, ये देखिए हो चुका है यार। धुआं बहुत लग रहा है यार। तो आलू मैंने इसमें आग में डाल दिया है, तो सीधे फ्लेम में नहीं मतलब रोस्ट किया था, सीधे इसको आग में डाल दिया जाता है, तो उसके आग से गर्मी से बड़े पक जाता है वो। ये हमारे टमाटर और बैंगन हो चुके हैं, आलू हो जाए, उसके बाद इनका भरता बनाते हैं, चोखा से बोलते हैं, बना के फिर खाते हैं, मत दिखाते हैं। जब तक आलू हो तब तक इसका हम छिलका निकाल लेते हैं जो पक चुका है, और ये काला काला भी हो चुका है, इसको आपको निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पूरे टमाटरों का आप लोग को छिलका निकाल लेना है। अगर सही से पके होंगे तो वो आराम से खुद निकल ही जाएंगे, अगर सही से नहीं पके होंगे टमाटर तो जल्दी निकलेगा नहीं। ये देखिए टमाटर हो चुके हैं, इनका निकल चुका छिलका, अब बारी है उन बैंगनों की। भाई ये देखिए ऐसे ऐसे निकालना है, पूरा छिलका जल चुका है ऑलमोस्ट,
बहुत टाइम लग रहा है यार। चलिए 1 2 3। तो हमारा भाई ये तैयार हो चुका है, अब बस आलू पकने की तैयारी है। उसके बाद बनाएंगे भरता, चोखा बनाएंगे। तो यहाँ पर होने जा रहा है उसका बाटियों के लिए आग बनाई जा रही है, फिर हमारा तैयार हो जाएगा बाटी चोखा। ये जलाया गया है, बाटियों के लिए जलाया गया है ये बाटी। ये थोड़ा जल जाएगा तो बाटी के लिए परफेक्ट आग बन जाएगी। अब ये बाटियाँ डालना स्टार्ट कर चुके हैं उसमें आग में। वो देखिए आलू भी हमारे हो रहे हैं, बस इसमें आलू भरे, इसमें भी आलू भरे हैं। ये भाई इतना बोलना पड़ेगा, नॉनवेज से तो ज़्यादा ही हार्ड है भाई। नॉनवेज तब तक जो मैं लेके आता बना खा के अब तक सो गया होता, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये भाई हमारी बाटी, बहुत मेहनत काम है भाई बाटी चोखा बनाना। देखिए भाई आलू पक चुके हैं, उनको छीलना है बस, अभी बहुत गर्म है। देखिए निकाल लें उसमें से। अब हमारे आलू हो चुके हैं तैयार, अब चल रहे इनका बनाने चोखा। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगा ये कटा हुआ धनिया और मिर्चा और प्याज। भाई साहब अब थोड़ा प्याज रख लिया है बाद में खाने के लिए। अब ये है टमाटर और बैंगन, इसको इसमें पूरा डाल दें भाई। सबको अच्छे से मिलाना है, आलू भी गर्म है थोड़े। तो हमारा चोखा रेडी हो चुका है, अब बस बाटी लेके आते हैं और फिर खाते हैं भाई, देखते हैं भाई कैसा बना है। तो फाइनली हमारी बाटी चोखा रेडी हो चुके हैं, और ये मैं बटर लेके आया हूँ, अमूल बटर, थोड़े इन पर डालते हैं बाटियों पे। उसके बाद भाई ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं कैसा बना है। बहुत बेहतरीन बना है, मैंने पहली बार ट्राई किया, बहुत सही बना है। हाँ तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ अपने, और बाटी चोखा बहुत बेहतरीन बना था, खा के मैं मस्त सो गया थोड़ी देर। और अब मैं घर आ चुका हूँ, और मुझे आपसे ये पूछ कह रहा था कि इससे पहले मैं गया था बुद्ध बाज़ार 1 मार्च को, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक ऊपर इस तरफ आ रहा होगा, देख लीजिएगा। और इन फ्यूचर में कौन कौन सी रेसिपी ट्राई करूँ आप मुझे कमेंट से बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए, और देखते रहिए द बाइक ब्लॉगर।